गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास सिक्स सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन लेसन थर्ड पृथ्वी की गतिविधियों के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि इसमें प्रश्न नंबर एक में दे रखा है, पृथ्वी की दो गतियों के नाम लिखो और बताओ कि कौन सी गति के कारण दिन व रात बनते हैं। उत्तर में है, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, नंबर एक पृथ्वी की परिभ्रमण गति, नंबर दो पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण दिन व रात बनते हैं। नंबर दो में अधिवर्ष क्या है, प्रश्न नंबर दो में अधिवर्ष क्या है। उत्तर में आएगा इसके, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यह सूर्य का पूर्ण परिक्रमण में लगभग 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट व कुछ सेकंड लगते हैं, परंतु हमारे कैलेंडर में 365 दिन होते हैं पर बचा हुआ समय 5 घंटे 48 मिनट प्रत्येक चौथे वर्ष जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिवर्ष कहते हैं। इसमें 366 दिन होते हैं। प्रश्न नंबर तीन में विषुवत क्या है। उत्तर में आएगा इसके, वर्ष के दो अवसरों 21 मार्च व 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करता है, तब पूरे विश्व में दिन व रात बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है। आपने इसको याद करना है और अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। धन्यवाद।